कराची व्हाइट्स के बल्लेबाज आजम खान ने लाहौर ब्लूज के खिलाफ 35 रन स्कोर किए, मगर इस दौरान आजम खान ने बैट पर गजा के लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए फलस्तीन का झंडा लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आजम खान पर गैर मंजूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई करते हुए मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया, जिसके बाद सीनियर सहाफी हामिद मीर ने समाजी प्लेटफॉर्म एक्स पर पीसीबी से वजाहत देने का मुतालबा करते हुए सवाल पूछा कि क्या पीसीबी बताएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट बैट पर फलस्तीन का झंडा लगाना कब से जुर्म हो गया। सीनियर सहाफी ने कहा, बैट पर फलस्तीन का झंडा लगाने पर आजम खान को जुर्माना करने वालों को पीसीबी से फारिग करके इबरत की मिसाल बनाना चाहिए। इसके अलावा सेनेटर मुश्ताक अहमद ने लिखा कि क्या पीसीबी बता सकता है कि किस कानून के तहत आजम खान को प्रेशराइज किया जा रहा है।